Hi, Deepak. Hi. ये क्या दीपक, तुम डिसेबल हो? मतलब तुम अपाहिज हो? हाँ दीपक, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अरे इसमें मजाक वाली कौन सी बात है, ये सच है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो ऐसा कहीं भी पिक नहीं है तुम्हारा इस व्हील स्टिक के साथ। नहीं, एक्सीडेंट के बाद मैंने अपना कोई भी फोटो अपलोड नहीं किया कहीं भी, मेरा मन ही नहीं हुआ। लेकिन दीपक, तुम कम से कम मुझे ये बता तो सकते थे ना, तुमने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे इसमें धोखा देने वाली बात कौन सी है, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? आराम से प्यार से बैठकर बात करो ना। अब प्यार से बात करके क्या करूँ मैं, प्यार से बात, वो भी तुम जैसे लंगड़े के साथ? हाँ यार, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुमने कॉल पर तो कहा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, पर अब क्या हुआ? अरे चुप करो तुम, कोई एक्साइटेड नहीं हूँ मैं। अरे जो इंसान अपने पैरों पर नहीं चल सकता वो मुझे जिंदगी भर क्या खुश रखेगा? वंदना, ऐसा किसने कहा कि जिसके पैर नहीं होते वो प्यार नहीं कर सकता, किसी को जिंदगी भर खुश नहीं रख सकता? और प्यार करने के लिए तो इंसान के दिल की जरूरत होती है, ना कि उसके शरीर की। अरे बस करो तुम अपने ये लेक्चर, ये सब ना सिर्फ कहने की बात होती है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तुमने जो मुझसे फोन पर बात की थी वो सब क्या झूठ थी? और नहीं तो क्या, वो सब झूठ थी। अरे बिना मिले किसको किससे प्यार हो जाता है? हा? मुझे लगा तुम बहुत पैसे वाले हो, मुझे बहुत खुश रखोगे, मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन तुम तो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकते, मुझे क्या खुश रखोगे, क्या प्यार करोगे तुम मुझसे? हाँ क्या इसका मतलब वंदना तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार हो सकता है अगर तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो तो। अगर सच्चा प्यार होता तो मैं कर भी देता, लेकिन अब मैं मेरे घर का तुमको एक गिलास पानी भी न दूं। क्या पानी? अरे पानी तो तुम मुझे तब दोगे ना जब तुम चल पाओगे। यार ऊपर वाले ने भी तुम्हारे साथ क्या मजाक किया है, तुम्हें सब कुछ दिया है लेकिन तुम्हारे पैर ही नहीं है। ऊपर वाले ने तो मुझे सब कुछ दिया है लेकिन वो तुम्हें नहीं देना चाहता। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? दीपक, इसका मतलब तुम ठीक हो, तुम चल सकते हो? हाँ ये सब मैंने नाटक किया था तुम्हें चेक करने के लिए। जो लड़की मुझसे फोन पर इतने प्यार से बात करती है वो क्या मुझसे सच्चा प्यार करती है या नहीं, लेकिन आज तुमने मुझे सही साबित कर दिया। अरे दीपक, अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो वो भी यही करती, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो। नहीं, अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करती तो भले ही मेरे साथ न रहती, लेकिन कम से कम मेरा मजाक तो नहीं उड़ाती। अब कोई फायदा नहीं तुम्हें माफ करने से, मैंने तो सोचा तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती हो। दीपक प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने वो सब गुस्से में बोल दिया था, मैंने दिल से नहीं बोला, मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दो। माना दिल दाही मेरा है कसूर।